हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 8th प्राची बुक असाइनमेंट 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 लाई हूँ बच्चों, फैक्टोराइज। ठीक है, ये भी पुराने क्वेश्चन जैसा ही है। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, 9y की पावर 2 प्लस 81y प्लस 9। ठीक है, तो हमने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हैं बच्चों। ये आधा सॉल्व क्वेश्चन है जिसको हमने सिर्फ फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैं आधा आधा डिवाइड करके करवाती हूँ आपको, पहले वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हो। और क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखा है 9 और यहाँ लिखा है 81। ठीक है, अब 9 के टेबल में 81 आता है तो मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ, और दोनों में y है, यहाँ y की पावर 2 और यहाँ y पे, तो 9y में कॉमन ले सकती हूँ। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1y से 1y कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास y। यहाँ 89 को डिवाइड करूँगी 9 से, तो ये 9 9 जा पे जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा +9। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में मेरा आ गया y +9। अब आप ऊपर देखो, बिल्कुल सेम नंबर है, तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं 1 जा पे कर लूँगी इसे, तो 1 कॉमन निकाल लूँगी ताकि सेम ब्रैकेट आए। ये दोनों ब्रैकेट बच्चों हमारे सेम आने चाहिए, तभी हमें पता चलता है हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, अब एक ब्रैकेट बनाऊँगी मैं, दोनों ब्रैकेट में से एक ले लूँगी और एक ब्रैकेट बनाऊँगी जो बाहर वाले नंबर हैं उनमें से, यानी वाई प्लस 9 और 9y+1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, आ रहा है समझ? पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हमें बीच वाले जो मिडल टर्म होती है उसका फैक्टर करना होता है, दो पार्ट्स में उसे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और डिवाइड कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, कोई भी दो नंबर जिनका टोटल 9 आए, मैं आपको रफ में अच्छे से समझाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा है 4 प्लस 5, इसका टोटल आ रहा है मेरा 9। ठीक है, और मुझे वही नंबर मल्टीप्लाई करने हैं 4 × 5, तो मेरा 20 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन नहीं है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। प्लस करने पर 9 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है, तो मैं लिखूँगी x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। अब फिर से मेरे दो पेयर में इसको बांट दूंगी, दो टुकड़े कर दूंगी इसको, दो नंबर से एक साइड, दो नंबर एक साइड, उसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, x कॉमन लिया मैंने इसमें से, तो बचेगा मेरे पास x प्लस 4। ठीक है, पता है ना आपको, कैंसिल हो जाता है डिवाइड होते ही। अब यहाँ पर 5 के टेबल पर 20 आता है तो मैं 5 आराम से कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, 5 कॉमन लिया तो मेरा गया ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बचा। और 5 के टेबल पे कब आता है बच्चों, 4 पे 20 आता है। ठीक है, तो मेरा 4 पे चला जाएगा ये। अब दोनों ब्रैकेट फिर से मेरे सेम आ गए, दोनों में से एक ब्रैकेट लूँगी। ठीक है, और एक ब्रैकेट बनाऊँगी जो बाहर मेरे पास नंबर्स आए हैं, यानी x प्लस 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, x की पावर 2 माइनस x माइनस 20। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों जगह माइनस है। ठीक है, तो देखो लास्ट में 20 है, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, पर वहाँ पर बीच में 9x था और यहाँ पर माइनस एक्स है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में माइनस नहीं था, दोनों प्लस थे, यहाँ मेरे पास माइनस है। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, अगर मैं 5 में से 4 कैंसिल कर दूँगी तो मेरे पास 1 बचेगा। ठीक है, और अगर 4 × 5 कर दूँगी तो मेरे पास 20 आएगा। अब सिर्फ यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना है कि किस तरह से आपने साइन लगाने हैं। ठीक है, अब मुझे बीच में यानी कि सेंटर में भी माइनस चाहिए। ठीक है, तो मैं 5 यानी बड़ा नंबर माइनस कर रखूँगी और छोटा नंबर प्लस कर रखूँगी, यानी कि 4x। ठीक है, और मल्टीप्लाई करूँगी -5 को +4 से, तो मेरे पास -20 आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आपको माइनस चाहिए, कहाँ आपको प्लस चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से इक्वेशन जो हो जाएगी, दो पार्ट्स में एक्स को मैं डिवाइड कर सकती हूँ। अब इसमें से कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें से मैंने लिया x कॉमन तो मेरे पास सिर्फ x बचा। ठीक है, फिर माइनस का साइन, x कैंसिल हो गया, 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन है, सिर्फ आपको माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, 4 × 5 = 20 होता है, तो यहाँ पर एक बार मेरे पास फैक्टर आ जाएगा x - 5 और एक फैक्टर आ जाएगा x + 4। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा।
माइनस प्लस का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 20, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, सिर्फ बीच में जो है माइनस की जगह प्लस लगा दिया। ठीक है, इसमें भी मेरे वही फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अब मैं साइन थोड़े से चेंज करके लगाऊंगी। अब साइन का फ़र्क है, यहाँ पे 5 में से माइनस किया 4 तो आया 1, और अगर मुझे प्लस का चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर मैंने माइनस का 5 लिया था, ठीक है, यहाँ मुझे प्लस का 5 लेना पड़ेगा। ठीक, तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा प्लस में। ठीक, तो मैं क्या करूँगी बच्चों, x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 4x और माइनस 20। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस का चेंज है इसमें। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगी, मैंने यहाँ पर ऊपर माइनस रखा था 5 और नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने प्लस 5 रखा है। ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ऊपर 4 प्लस का था, नीचे 4 माइनस का है। अब फिर से वही करेंगे बच्चों, कॉमन लेने वाला क्वेश्चन में कॉमन किस तरह से लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरे पास एक्स प्लस 5। ठीक है, फिर माइनस 4 को कॉमन लूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, तो मेरे पास बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स प्लस 5। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आ गए सेम। ठीक, अब दोनों में से एक ब्रैकेट लूँगी एक्स प्लस 5 और सेकेंड ब्रैकेट मेरा बनेगा एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये मेरा आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन सेम है बच्चों। अगला फिफ्थ पार्ट है बच्चों, x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 21। ठीक है, अब बीच वाली टर्म को मैं किस तरह से डिवाइड करूं कि माइनस प्लस करने पर 10 आए और मल्टीप्लाई करने पर 21 आए। बच्चों ये क्वेश्चन भी इजी है क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह प्लस है। ठीक है, प्लस होता है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, साइन गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो रफ में मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करेंगे। अगर मैं 7 प्लस 3 कर दूँ तो मेरे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, और 7 इंटू 3 कर दूँ तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर भी मेरे सेम आ गए दोनों। अब मैं इसको बहुत इजीली कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि प्लस करने पे 10 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है, तो लिखूँगी एक्स प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21। ठीक, आराम से फैक्टर बन गए। अब फिर से इसमें कॉमन लूँगी मैं। ठीक है, एक्स कॉमन लिया तो बचा मेरे पास एक्स प्लस 7। आपको पता ही है एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 7x में से एक्स कैंसिल हो जाएगा, खाली 7 बच जाएगा। ठीक है, फिर मैं लूँगी प्लस 3 कॉमन। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल पर 21 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा मेरा एक्स। अब 3 7 होता है 21, दोनों फैक्टर मेरे सेम आए हैं ब्रैकेट के, उनमें से एक लूँगी और सेकंड में बनाऊँगी एक्स प्लस 3। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सिक्स वाला पार्ट है, एक्स की पावर 2 प्लस 33x प्लस 200। ठीक है, अब बच्चों इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको फैक्टर करनी है इसकी। ठीक है, कौन से नंबर को प्लस करेंगे कि 33 आ जाए और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाए। तो मैं लूँगी 25 प्लस 8 इक्वल टू 33, और 25 8 होता है बच्चों 200। ठीक है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, क्लियरली दिखा देती हूँ। 25 प्लस 8 करूँगी तो 33 आया, और 25 इंटू 8 करूँगी तो 200 आया। ठीक है, तो मेरे दो नंबर्स कौन से हो गए, 25 और 8। ठीक है, अब इसी को मैं आपको मिडिल टर्म में पुट करके दिखाती हूँ। दोनों तरफ प्लस है, कोई टेंशन नहीं है, प्लस का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। लिखूंगी x की पावर 2 प्लस 25x प्लस 8x प्लस 200, कॉमन लूंगी x तो बचेगा मेरे पास x प्लस 25, इधर 8 कॉमन लूंगी तो बचेगा 8 के टेबल पर 25 पे ही जाएगा ये 200। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा x प्लस 25। आपको कट करके भी दिखा दूँ, 8 1 8, 8 2 16 और 8 5 40। ठीक है, इस तरह से आप इसके फैक्टर करके दिखा सकते हो। तो मेरे पास आ गए ना दोनों सेम ब्रैकेट। आप
जैसे हम हमेशा करते हैं, एक ब्रैकेट लेंगे x प्लस 25 और एक ब्रैकेट बनाएंगे x प्लस 8, ठीक है। इस तरह से मेरे पास आंसर आ गया। अब सेवन्थ क्वेश्चन है बच्चों, x की पावर 2 माइनस 11x माइनस 60। माइनस के क्वेश्चन में साइन का ध्यान रखना है आपको, किस तरह से फैक्टर होंगे मैं आपको बताती हूँ, दो नंबर क्या होंगे इसमें। आप देखो बच्चों, 15 को माइनस करोगे 4 से, 15 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 11, ठीक है, और 15 इंटू 4 करोगे तो आएगा 60। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको माइनस का 15 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइनस चाहिए आंसर में, ठीक है। तो माइनस 15x आएगा प्लस 4x और फिर माइनस 60। अगर आप माइनस 15 में से 4 कैंसिल करोगे तो आएगा आपके पास माइनस 11, और माइनस 50 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आएगा आपके पास माइनस 60। अब फिर से मैं x कॉमन लूँगी तो मेरे फैक्टर क्या बचेंगे बच्चों, x माइनस 15, ठीक है। यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगी तो मेरे पास फिर से बचेगा x, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 के टेबल में 60 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 15 पे, 15 फोर ज़ा 60 होता है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया एक ब्रैकेट x माइनस 15 x प्लस 4, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। बच्चों मैं बार बार वही रिपीट नहीं कर रही हूँ कि आपको दो ब्रैकेट में से एक लेना है, अब तो आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी में, थर्ड के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इसी का एट्थ पार्ट है, x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 12, ठीक है, प्लस का क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। आप खुद ही सोचो 8 को दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे कि प्लस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, ठीक है। तो अगर मैं x की पावर 2 प्लस, यहाँ पर मैं देखती हूँ दोनों जगह प्लस है, तो अगर मैं 6 में, अगर मुझे 8 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 6 में प्लस करूँगी 2 तो आ जाएगा 8, और 6 टू ज़ा 12 होता है, ठीक है ना, बन गए ना आसानी से फैक्टर। आप क्वेश्चन करोगे बच्चों बहुत इजीली आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी x की पावर 2 6x प्लस 2x प्लस 12, फिर से मैं कॉमन लूंगी x तो मेरे पास बचेगा x प्लस 6, यहाँ से 2 कॉमन लूंगी तो बचेगा x प्लस 6, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल पे 2 6 ज़ा 12 होता है, 6 पे डिवाइड हो जाएगा, एक ब्रैकेट बनेगा मेरा x प्लस 6 और एक ब्रैकेट बनेगा मेरा x प्लस 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइन्थ वाला पार्ट है इसका, x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 21। बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस करने पर मेरे पास 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 21 आना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, माइनस 7 और माइनस 3, ठीक है, अगर मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास माइनस 10 आ जाएगा, मैं आपको साइन के साथ ही बता देती हूँ अब, ठीक है। और माइनस 7 इंटू माइनस 3 करूँगी मैं तो मेरे पास प्लस का 21 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 3x और प्लस 21, ठीक है, दोनों साइन, अगर मैं प्लस करूँगी तो साइन मेरे पास माइनस का आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस माइनस को तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 21, ठीक है। तो x कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो मेरे पास बचेगा x, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 7x में से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 7, फिर माइनस 3x, यहाँ पर मैंने माइनस 3 कॉमन लिया है और फिर से मेरे पास ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 7, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए मेरे, तो मैं एक ले लूँगी x माइनस 7 और एक ब्रैकेट में बना दूँगी x माइनस 3, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये भी माइनस आया बीच में, ठीक है, सेंटर में जो 11 दिया है वो मेरे पास माइनस का है, ठीक है, तो इसके कैसे फैक्टर करूँगी मैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे फिर से बीच में साइन माइनस चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस चाहिए, ठीक है, तो मैं करूँगी माइनस 7 और माइनस 4 जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 11, ठीक है, माइनस 11 आएगा। और अगर माइनस 7 इंटू माइनस 4 करूँगी तो मेरे पास प्लस का 28 आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो फिर से मैं करती हूँ x की पावर 2 माइनस
सेवन एक्स माइनस फोर एक्स और प्लस 28। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? बीच में जो सेंटर वाला नंबर है मेरे पास, वो मुझे माइनस में चाहिए। ठीक है, अब फिर से कॉमन लूँगी मैं, तो मेरे पास बचेगा एक्स माइनस सेवन, फिर माइनस फोर कॉमन लूँगी। ठीक है, और बचेगा मेरे पास एक्स, फोर के टेबल में सेवन जा पे 28 आता है, फिर मेरे पास आ जाएगा बच्चों माइनस सेवन। ठीक है, फोर सेवन जा पे जाएगा। अब दोनों में से एक ब्रैकेट लेंगे, एक्स माइनस सेवन, एक ब्रैकेट बनेगा एक्स माइनस फोर। ठीक है, और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों 11th क्वेश्चन, एक्स की पावर टू प्लस सिक्स एक्स प्लस एट। यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ठीक है ना, प्लस के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब क्या करोगे बच्चों, ऐड करने पे आपको सिक्स चाहिए, फोर प्लस टू सिक्स आता है, फोर इंटू टू होता है एट। ठीक है, यही तो चाहिए मुझे, तो कर दूंगी एक्स की पावर टू प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स प्लस एट। ठीक है, दो टर्म में डिवाइड करूंगी अभी से। ठीक, अब कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स प्लस फोर, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, इसका तो आ गया। ठीक है, इधर से क्या लेंगे, टू कॉमन लेंगे, तो बचेगा मेरे पास एक्स प्लस फोर, क्योंकि टू के टेबल में फोर पे एट आता है। ठीक है, टू फोर ज़ा एट। अब फिर से मेरे पास एक ब्रैकेट आएगा एक्स प्लस फोर और एक ब्रैकेट आएगा एक्स प्लस टू। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, आ रहे हैं ना समझ? ठीक है, ट्वेल्थ देखते हैं इसका, ट्वेल्थ पार्ट। एक्स की पावर टू प्लस इलेवन एक्स प्लस थर्टी, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि प्लस चाहिए, करने प्लस करने पर इलेवन चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर मुझे थर्टी चाहिए, तो और वैसे भी प्लस का नंबर है, तो सिक्स प्लस फाइव होता है इलेवन और सिक्स इंटू फाइव होता है बच्चों थर्टी। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगी डिवाइड, एक्स की पावर टू प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस थर्टी। ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ठीक है, फर्स्ट में से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस सिक्स बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ से मैं फाइव कॉमन लूँगी, फाइव कॉमन लिया तो एक्स बचेगा और यहाँ बचेगा फाइव सिक्स ज़ा थर्टी। ठीक है, अब एक ब्रैकेट लूँगी मैं सिक्स, एक्स प्लस सिक्स, एक बनाऊँगी एक्स प्लस फाइव। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला देखो बच्चों, इसी का थर्टीन पार्ट देख लेते हैं। एक्स की पावर टू माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन, यहाँ पर आपके पास माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस करने पर आपको नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट आए एट और मल्टीप्लाई आए फिफ्टीन। ठीक है, इसको बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। अगर मैं माइनस फाइव और माइनस थ्री करूँगी, ठीक है, माइनस फाइव और माइनस थ्री यानी माइनस माइनस प्लस, और मेरे पास आ जाएगा माइनस एट। ठीक है, अगर मैं माइनस फाइव और मल्टीप्लाई करूँगी माइनस थ्री, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का फिफ्टीन जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ क्वेश्चन को, एक्स की पावर टू माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ से एक्स कॉमन लूँगी, एक्स माइनस फाइव बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन लूँगी माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा बचेगा बच्चों एक्स माइनस फाइव। देखो बच्चों, माइनस प्लस का ध्यान रखना, एक ब्रैकेट में माइनस आया तो दूसरे में भी माइनस आएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इसी का फोर्टीन पार्ट है बच्चों, एक्स की पावर टू प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन। ठीक है, अब मुझे प्लस या माइनस करने पर फोर चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए माइनस ट्वेंटी वन। ठीक है, अब मुझे कौन कौन से नंबर चाहिए, अगर मैं सेवन में से थ्री माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा फोर। ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई करूँगी सेवन इंटू माइनस थ्री, तो मेरे पास माइनस का ट्वेंटी वन आएगा। ठीक है, आया समझ? एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, तो मैं करूँगी एक्स की पावर टू प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स और माइनस ट्वेंटी वन। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, कॉमन लूँगी एक्स, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस सेवन
फिर माइनस थ्री कॉमन लूँगी तो बचेगा एक्स प्लस सेवन, ब्रैकेट मेरे बनेंगे दो, दो फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस सेवन और एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट 15 पॉइंट है, एक्स की पावर टू माइनस फोर एक्स माइनस 96, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये बड़ा नंबर दिया है 96, ठीक है, और दोनों जगह माइनस दिया है, दोनों जगह माइनस दिया है ना। तो हम किसके फैक्टर बनाएंगे बच्चों, हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे 12 माइनस 8, ठीक है। अब मैं करती हूँ, देखो माइनस के हिसाब से लगाना है ना, तो मैं माइनस 12 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस होता है और 12 माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा मेरे पास 4। इसी तरह से माइनस 12 इंटू 8 तो आ जाएगा माइनस 96, 12 8 96 होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं फैक्टर बनाऊँगी x की पावर 2 माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96, कॉमन लूँगी x तो बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन लूँगी 8 तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 8 96, ठीक है। तो यहाँ पर भी x माइनस 12 बचा, एक ब्रैकेट मेरा बनेगा x माइनस 12, एक बनेगा x प्लस 8। इस तरह से ये मेरे दो फैक्टर आ जाएंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको सही से सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।